स्थानीय अपराध शाखा नागपुर ग्रामीण की एक टीम ने गैस कटर से एटीएम मशीन को काट कर पैसे चुराने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह को गिरफ्तार किया है। 3 अक्टूबर को रामटेक पुलिस थाने के मंसर के बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम मशीन गैस कटर से काट कर 19,90,500 रुपए चुरा कर आरोपी भाग गए थे। इस मामले को देखते हुए पुलिस विभाग की ओर से 4 टीम बनाई गयी थी। टीम की जाँच में 4 तारीख को इस मामले में RJ14 GK 6950 नंबर का ट्रक इस्तेमाल किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई। सदर जानकारी पर जांच करने पर पता चला कि ये ट्रक राष्ट्रीय महामार्ग 7 से हैदराबाद मार्ग चेन्नई जाने की जानकारी मिली। जानकारी पर विशेष टीम ने हैदराबाद जाकर जांच की तो उन्हें पता चला ये ट्रक फॉरेंज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इस रबर कंपनी में गया है। नागपुर ग्रामीण टीम ने चेन्नई पुलिस टीम के मदद से इस कंपनी में जाकर ट्रक अपने हिरासत में लिया। साथ ही ट्रक चालक आरोपी साजिद वल्फ रशीद खान, अहमदीन उस्मान तौफीक, मबरेज खान, जेनो अलाबुद्दीन वल्फ, आयुब खान, इन सभी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। पूछताछ करने पर सभी आरोपियों ने गुनाह कबूल किया है। साथ ही इस मामले में और 2 लोग चोरी की जानकारी भी दी। आरोपियों ने इसके पहले भी ग्रामीण क्षेत्र में एटीएम फोड़ कर चोरी करने की खबरें दी। जब ट्रक की जांच करने पर उसमें 9,50,000 जब्त किए गए। दिनांक 3/10/2020 को रामटेक थाना अंतर्गत बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम था मंसर का, उस एटीएम को कट किया गया था और उससे करीब 19,50,000 रुपए चुराए गए थे। इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस स्टेशन रामटेक के साथ साथ स्थानीय गुना शाखा का जो पतक है उनके द्वारा समानांतर तपास किया गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने 4 टीम बनाई और इन्वेस्टिगेशन में ऐसा सामने आया कि एक ट्रक का नंबर सामने आया RJ14 GK 6949। एक ट्रक का नंबर सामने आया। इस ट्रक के रूट का जब पता किया गया तो ये ट्रक जो है हैदराबाद होते हुए चेन्नई की तरफ जाना पाया गया। हमने तुरंत बिना किसी देर के हमारी टीम्स को रवाना किया। ये जो ट्रक है ये तिरुवन्नमलाई डिस्ट्रिक्ट में पुलिस स्टेशन दूसी, यहाँ पर एक फॉरेज इंडिया लिमिटेड रबर की कंपनी है, यहाँ पर जाने की सूचना मिली। स्थानीय पुलिस की मदद से इस कंपनी में जाकर इस ट्रक को हमारे ताबे में लिया गया। ट्रक के साथ साथ उसमें 4 आरोपी साजिद वल्द राशिद खान जो ताउडू जिला नूह मेवात का रहने वाला, हरियाणा का रहने वाला है, उसके और साथीदार अहमदुद्दीन उस्मान जो नल्लड़ जिला नूह का रहने वाला है, तौफीक ममरेज खान 27 वर्ष ये तिजारा अलवर राजस्थान का रहने वाला है, और जैनुल आब्दीन उर्फ दर्रू वल्द अयूब खान ये शिकारपुर ताउडू का रहने वाला है। इनको संशय के आधार पर इनको ताबे में लिया गया। ताबे में लेने के बाद इनको यहाँ पर लाया गया, पूछताछ की गई तो पूछताछ में ऐसा सामने आया कि इनके 2 साथी काला और ताजिर उर्फ पहलवान ये नेल्लोर के पास, ये भी गुनाह में शामिल थे और ये नेल्लोर के पास इनको छोड़कर अलग हो गए। इन्होंने प्राथमिक जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें इन्होंने यह भी कबूल किया कि इन्होंने देवला पार्क के अंदर एक एटीएम है उसको तोड़ने का प्रयत्न किया। साथ ही नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट में एक SBI का जो ATM है उसको भी इन्होंने तोड़ा। आज 7/10 को इनको यहाँ पर लेकर आए। लाने के बाद जो ट्रक की पंचों के समक्ष झड़ती ली गई, पंचनामा तैयार किया गया, उसके अंदर एक गैस कटर, 2 सिलेंडर ये उसमें इन्होंने छुपा के रख रखे थे। साथ ही एक बैग छुपा के रख रखा था जिसके अंदर करीब 9.5 लाख रुपए इनसे जब्त किए गए हैं। इन्होंने ये इस बात को कबूला है कि इन्होंने ये जो वारदात है जो मंसर में जो ATM फोड़ने की वारदात हुई, साथ ही देवला पार में जो प्रयास हुआ और नालागोंडा के अंदर आंध्र प्रदेश में जो SBI का ATM टूटा,
वो तीनों जिन्होंने प्राथमिक तौर पे कबूली दी है, इनका जो बाकी इन्वेस्टिगेशन और बाकी इन्होंने ये कौन कौन से गुनाहों में लिप्त हैं ये इस बारे में जानकारी ली जा रही है। इन्होंने प्राथमिक तौर में एक ऐसा भी बताया कि सावनेर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक ATM कटिंग का गुनाह हुआ था, उसमें भी ये लोग लिप्त हैं। इनके जो दो साथी हैं काला और ताजर और पहलवान, वो दोनों फरार हैं, उनके बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है। इस कार्रवाई को अंजाम देने में स्थानीय पुणे शाखा के पुलिस इंस्पेक्टर अनिल जिगतेवार, हमारे ATI वैरागड़े सचिन मते, गौर खेड़े PSI शेख और साथ ही स्थानीय पुणे शाखा के संपूर्ण पतक ने बहुत ही मेहनत की है और करीब करीब 2400-2500 किलोमीटर का सफ़र उन्होंने किया और जैसे ही ये गुनाह हुआ, गुनाह होते ही उन्होंने इन्वेस्टिगेशन समानांतर शुरू किया और जैसे ही जानकारी मिली तुरंत उस गैंग के पीछे गए और जाने के बाद उसका ये हुआ कि भाई ये गैंग हमको मिल गया, वरना ये जो इंटरस्टेट गैंग है जो नू मेवात के आसपास सक्रिय रहता है और बेसिकली ये ATM कटिंग में ही इन्वॉल्व रहता है, तो बाकी जो इसके जो आरोपी हैं उनको ढूंढने का प्रयास शुरू है और बाकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे हम करने वाले हैं। सर कुल कितना रिकवरी हुई है इसमें? 9.5 लाख रुपए कैश, गैस कटर, दो सिलेंडर और साथ में एक ट्रक, ऐसे कुल मिलाकर जो 49,76,900 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया गया है। सर वारदात में जो सामग्री यूज की गई थी गैस कटर और बाकी, वो कहाँ से उन्होंने ऑलरेडी बाहर से लाया था? ये जो ये इस गैंग का मोडस ये है कि ये लोग लॉन्ग दूरी का जो ट्रक होता है उसके अंदर ये उसमें चलते हैं, ट्रक का मालिक भी इसमें शामिल है। इन लोगों ने अपने गाँव में ये प्लान बनाया, प्लान बनाने के बाद वहीं से अपने एक छोटा सिलेंडर और एक ऑक्सीजन सिलेंडर बड़ा, एक गैस कटर साथ में लिया और पहले से ही प्लानिंग करके आए थे। इनकी प्लानिंग ये थी कि ये सामान जो है ये रबर जो इन्होंने भरा था इसको फोरेज कंपनी के अंदर तिरुवन्नमलई के अंदर इनको ड्रॉप करना था, तो इनका ये प्लान था कि भाई रास्ते में आते टाइम और जाते टाइम हम लोग ये ऐसी कार्रवाई करेंगे। और बेसिकली इनका उद्देश्य जैसा कि प्राथमिक पूछताछ में पता चला, इनका जो बेसिकली उद्देश्य ये था कि भाई ये काम करते करते साथ में ATM वगैरह कट करते हुए चलेंगे, किसी को कोई शक भी नहीं होगा और आराम से ये लोग निकल जाएंगे, लेकिन इनका प्लान फेल हो गया। वीरेंद्र खोबरागढ़ के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट, ABC न्यूज़ नागपुर।